कौन नहीं, सा सॉरी, मंडे को एक दो टॉपिक है बाकी। डेट वाला कौन उस दिन किया था ना वो वाला, तो वो तो उसी तरीके से दोगे, दूसरे तरीके से भी अभी मैंने टाइम ही नहीं दिया। पहली बात तो उस तरीके से तो आंसर आ रहा था ना उस दिन। हाँ सर, योर कैश ऑन डिलीवरी विद ऑर्डर आईडी सक्सेसफुली, ये कौन है? ऐसे कुछ भी मैसेज, तुमको भी कुछ कुछ मैसेज ऐसे फालतू के आते रहते हैं क्या? बड़े टॉपिक का नाम डालो, स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्रूडो वही फोर सुना तुमने? क्या कौन होता है जानता जो नहीं, उलझ जो जाता होता बहुत है गंदी चीज जो होती है प्रेम बस। की इनर्शियल फ्रेम में से बॉडी पे या डाल देते हैं एक्चुअली मुझे उसकी मुझे पता है क्या लगा वन क्या बोल रहा है, जो प्रेम की आदत। पॉइस नहीं दिया, फ्रेम नॉन फ्रेम ना। इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल में लाने के लिए। अच्छा, ओहो, मतलब जो दिखता है या होता नहीं, ऐसा क्या क्या कैसा होता है? नहीं मिली। नहीं नहीं होता है अच्छा, पर हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है डालो। नहीं सेमेस्टर वन की, सेमेस्टर टू नहीं रही। स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चमकाएं बेटा, क्यों नहीं कर सकते फॉल्स क्या बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये स्यूडो अच्छा वर्ड यूज करना। फॉल्स? स्यूडो का मतलब जो क्वाड्रेटिक तो है लेकिन दिखती, जैसे एक क्वेश्चन समझाता हूँ कि स्यूडो इंटरेस्ट क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है। इंटरप्रिटेशन पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट टू देयर फाइंड एम फॉर विच, फाइंड एम फॉर विच इक्वेशन एक्स की पावर 4 -2m-, तुमको समझाता हूँ क्वाड्रेटिक। अब तुमको समझ में आएगा स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोला है। ये क्या एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है क्या? कहते हाँ, तो ये पर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर में लेकिन एक्स क्वाड्रेटिक हो स्क्वायर गई। बोला, लेट एक्स स्क्वायर तो ये इसको ऐसे को क्या बोलेंगे? झूठी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, अब इसके बहुत सारे पार्ट है लेकिन पहले एक एक करके समझते हैं। इसके चार रियल क्या होने चाहिए? रूट्स इसके तीन क्या होने चाहिए रियल सॉल्यूशन? थर्ड क्या होना चाहिए? इसके टू क्या होने चाहिए? रियल सॉल्यूशन। एम की वैल्यू, ये बहुत सारे पार्ट बना दिए, एम की वैल्यू जब उसके मतलब जब वन रियल सॉल्यूशन हो। और पांचवा पार्ट क्या होना चाहिए? नॉन नॉन फाइनल रियल सॉल्यूशन। तो बेटा आप सेकंड पार्ट तो हुई। बेटा एकदम ना ऐसे फालतू, मतलब फास्ट करेगा ना तो ऐसे करेगा तो फिर पक्का गलत करके आएगा। चीजों को समझो और फील करो, समझाए? अब क्वेश्चन समझे एक बार बेटा। अब ये यस थोड़ा सर, इजी भी है टफ भी है। इजी का मतलब जिसको लोकेशन ऑफ रूट पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी अपने को थोड़ी देर के लिए। बेटा मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर का क्या मान लिया, टी, तो तुमको क्या मिल जाएगा? टी स्क्वायर -2m-1+t m²-1=2 क्या हो गया? जीरो जीरो 0। अच्छा यदि टी की दो वैल्यू आएंगी, मान लो टी की अपन क्या बोटा बेटा मैंने बोल दिया डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा ये बता दो पहले। इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 2 के लिए टू की रियल रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू टी। एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ टी। अब बेटा सोचो, पहला अभी पहला पार्ट डिस्कस करा रहा हूं जिसके अंदर कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, फोर चार फोर रियल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें एक वांदा है। पीयूष मिश्रा बोल रहा है क्या वांदा है बेटा? बोला सर यदि टी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो टी की, और टी किसको माना अपन ने, एक्स तो स्क्वायर वो पॉसिबल है क्या रियल एक्स की वैल्यू उस केस में? नहीं। अपने को चार रियल वैल्यूज चाहिए किसकी, एक्स की। दोनों इसका मतलब, इसका मतलब पहले केस क्या कहना चाहता होगा? रूट पॉजिटिव। दोनों रूट पॉजिटिव। अच्छा दोनों रूट पॉजिटिव, और कुछ एक वर्ड और लगाना चाहिए? वाओ 0 हो गए, तो दोनों रूट 0 हो गए तो चार रियल सॉल्यूशन आएंगे क्या? सोच, एक ही प्रोडक्ट पॉजिटिव है। बोथ रूट ऑफ टू मस्ट बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए। कारण क्या है बेटा? दोनों सेम सेम ले लो, पर सॉल्यूशन तो ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा रूट रूट्स की बात चल रही है बेटा। ओके। हाँ नहीं इसके मान, रुको जो मैं बताता रहा हूँ ना। हेलो
ठीक है, दोनों रूट अभी दोनों यदि डिस्टिंक्ट होंगे तो यदि तो तभी तो क्या होगा, मान लो यदि सेम सेम भी ले लिए, एक्स की वैल्यू तुमने क्या ले ली, टी की वैल्यू तुमने टू कितनी ले ली, टू, दोनों सेम रूट ले लिए कितने ले लिए, तो उसके एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस रूट टू, तो दो ही वैल्यूज है ना, चार का ही। हाँ पर सर इसमें मतलब सोल्यूशन है ना, तो चार चल सकते हैं कि नहीं? नहीं, एक्स की वैल्यू तो दो अलग अलग है ना, प्लस रूट टू और क्या है, माइनस रूट टू, यहाँ पे फोर रियल रूट डालना, ठीक है, ज्यादा क्लिक करना, ठीक है, हाँ चल ठीक है। अब मुझे बता, अब दोनों के रूट, इक्वेशन नंबर टू के दोनों के रूट क्या होने चाहिए बेटा, ग्रेटर देन जीरो, मस्त। अच्छा अब तुमको याद है तो दोनों रूट पॉजिटिव के लिए कोई कंडीशन लिखाई थी, डी ग्रेटर देन जीरो, डी तो ग्रेटर देन जीरो होना ही चाहिए, और दूसरी क्या लिखाई थी, बी बाय एन सी बाय समर प्रोडक्ट दोनों ग्रेटर देन जीरो, याद आ रहा है कि स्पेशल केस में कुछ किया था, हां सर। अब इससे मुझे सॉल्व करके एमक्यू वैल्यू निकाल दो फटाफट, लिख भी लो क्वेश्चन और एमक्यू वैल्यू भी निकाल दो। हेलो हेलो, हां बेटा आवाज आ रही है सर? हां अभी तक मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, ग्लिच होगा, ग्लिच कभी कभार ग्लिच होते थे, मैं भी आज को जूम में अपडेट आया, आपको स्पॉटलाइट यूज कर सकते हो, अपडेट आया क्या सर, मुझे पता नहीं, वो मैंने जूम चालू किया था, हां अपडेट आया था तो सुबह का आ गया, स्टार्टिंग में तो बेटा ऐसे मैसेज बहुत आते थे, जूम में 5 लाख उड़ गए, 10 लाख उड़ गए, अभी वो मैसेज कहां गए, सबको पता था क्या जूम किसी ऑप्शन नहीं है, स्कूल वाले इसलिए वो जूम पे नहीं लेते, वो किस पे ले रहे हैं, गूगल पे, दोनों में फीचर में कोई डिफरेंस है क्या सर, पर वो गूगल में ना डेटा लीक के लिए बहुत इजी पड़ सकता है, गूगल मीट में कोई होस्ट नहीं होता, लेकिन उसमें ये बहुत कंट्रोल्ड रहता है कि कौन मीटिंग में आए ना है, t = -1 और -2 कैसे आए, ये मानना है यदि t की वैल्यू नेगेटिव होगी तो x की रियल वैल्यू हो सकती है क्या उसके समय, x की नहीं होनी पड़ेगी ना, नहीं x square is equal to negative होने चाहिए, पॉजिटिव और क्या होने चाहिए, चार रियल सॉल्यूशन कब आएंगे, चार रियल रूट्स कब आएंगे इस क्वाड्रेटिक के, जब x ये वाली, जब इस वाली क्वाड्रेटिक के दो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी अलग अलग, उसके समय x square, मान लो तीन आई चार आई तो तभी तो होगा ना, तो इसका मतलब दोनों रूट क्या होने चाहिए, टू वाली के पॉजिटिव भी होने चाहिए और क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट, उसके लिए डी ग्रेटर देन जीरो, सम ग्रेटर देन जीरो, पी ग्रेटर देन जीरो, अब मुझे बस वो बता दो कि कंबाइन करके क्या आया, 5/4 से इनफिनिटी, गलत आया होना गूगल तू आज गए हो, 5/4 से छोटा होना चाहिए, तो ये तो मार खाएगा, 5/4 से इनफिनिटी कैसे बोल गया जोगल भैया, क्या हो रहा है, क्या कंबाइन करना था, माइनस इनफिनिटी से माइनस वन और यूनियन वन से 5/4, ये सही है, एक्सीलेंट पीयूष का दिमाग दौड़ रहा है, अच्छा तुम्हारा जो संडे को पेपर में क्वाड्रेटिक का बनाऊंगा और थोड़ा स्कोर करना, और क्वाड्रेटिक की, अच्छा तुम्हारा वो क्वाड्रेटिक को लॉग और बेसिक मैथ तीनों डाल दूं तुम्हारे पेपर में, डाल दो, हां डाल, अच्छा कल से मैं तुमको पक्का प्रैक्टिस देने वाला हूँ, छह पांचों दिन, तो 50 क्वेश्चन की, सॉरी मैं कल तुम्हारी डीपीपी तैयार करूंगा 25 क्वेश्चन की, जिसमें तीनों चैप्टर क्या होंगे, मिक्स, अब तुमको बस इसके बाद मिक्स चैप्टर, और मैं ट्रिग्नोमेट्री भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तुम्हारी प्रैक्टिस में, ट्रिग्नोमेट्री फेज तो 1, तो फॉर्मूले याद नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तो याद आ जाएंगे, पहले मैं पहले वाले में बहुत इजी क्वेश्चन डालूंगा 10 दिन ट्रिग्नोमेट्री के, फिर उसके बाद जेई मेंस का लेवल कर देंगे, अभी तो मैं योगी से डालूंगा, समझ में आया ना ट्रिग्नोमेट्री के, तो हां सर, क्लियर सर, हां बेटा, तो हमें मेंस के भी टेस्ट देनी है कि फिर, तुम्हारा मेंस का पेपर होगा, तुम्हारा सिलेबस मैंने अलग कर दिया, उनका पेपर उनको मैं सीक्वेंस एंड सीरीज दे रहा हूं सिर्फ, तुम्हारा मतलब वही क्वेश्चन होंगे 20 थ्योरी और 5 क्या, मतलब लेवल मेंस का होगा, सिलेबस अलग होगा सर, हां सिलेबस अलग होगा तुम्हारा, लेकिन ट्राई करना 80 प्लस मार्क्स हैं, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा,
एम लेस देन फाइव फाइव बाई इज फोर से छोटा। बी स्क्वायर मतलब 4m² माइनस 4m+1 मतलब 2m+1 कॉल स्क्वायर कर दिया माइनस फोर माइनस इनफिनिटी से फाइव एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, एम लेस देन कितना आ जाएगा बेटा, फाइव बाई फोर सम सम ऑफ रूट 2m-1 ग्रेटर देन 0, एम ग्रेटर देन हाफ एम ग्रेटर देन अ प्रोडक्ट एम स्क्वायर वन ग्रेटर देन वन। रिलैक्स जान जुगल कहाँ गलती कर रहा था बेटा। सर ये 5/4 को मैंने मोर देन ले लिया था तो उसमें सब उल्टा हो गया। ये वाला क्लियर है फर्स्ट वाला। हाँ सर। अब मुझे तीन रूट अभी ये नोट कर लिया क्या। ओके सर। अब तीन रूट पे मुझे जिसे पूछूंगा वो डिस्कस करेगा ठीक है। तीन रूट पे किसको पकड़ा जाए, एग्जैक्टली तीन रूट होने चाहिए। हाँ बेटा इसी क्वेश्चन के एग्जैक्टली तीन रूट होने चाहिए, कौन बताएगा। पार्थ मेहता। हाँ सर। चलिए पहले हर्ष से शुरुआत करते, हर्ष वैसे यार या वो इस वाली इक्वेशन के तीन रूट होने चाहिए बेटा ठीक है। इस वाली इक्वेशन के क्या रूट होने चाहिए, तीन एग्जैक्टली तीन रूट होने चाहिए रियल रूट्स। तो इस वाली कंडीशन में क्या काम आएगा, सर मैं बोलू। हाँ जुगल बोलो। एक रूट जीरो हो सकता है ठीक है, टी की वैल्यू मतलब एक जीरो हो गई तो मतलब एक्सर की वैल्यू क्या होगी, मतलब जीरो एक और दूसरी जो टी की वैल्यू होगी उससे दो आएगी। दूसरा क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, टी के टी पॉजिटिव तो एक्स पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इस इक्वेशन का एक रूट तो क्या होना चाहिए पॉजिटिव एंड अदर क्या होना चाहिए नेगेटिव। भैया क्या करो तुम, जे की क्लास में बैठो, नेगेटिव बोल नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो जीरो सॉरी सॉरी रूट है भैया। क्यों ऐसा हो सोचो ना, इसका 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 मतलब टी की वैल्यू एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए दूसरी क्या होनी चाहिए जीरो। जब एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करोगे तो एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यू आ जाएंगी। हां दो। और एक्स स्क्वायर जीरो करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहां से, अच्छा तीन रियल रूट दिख रहे तुमको। हाँ सर। हाँ अब इस इसमें क्या कंडीशन लगा सकते हो, एक रूट पॉजिटिव है और एक जीरो है तो सम हमेशा सम पे श्योरिटी क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव सम और प्रोडक्ट जीरो जीरो। अरे बेटा ईजान पीछे वर्कआउट चल रहा है, एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए प्लस प्रोडक्ट एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा जीरो। तो यहां से एम की वैल्यू पे क्या क्या आ जाएगा बेटा, एम क्या कितना होना चाहिए बेटा वन। चमक गया तेरा, तू कोई ऊपर रूम में चला जाना, कहीं उधर रूम में चला जाना बेटा, तेरे को भी उधर बैठना है ईजान। सर अभी जामनगर में नहीं हूँ। बेटा अभी मुझे बता, अभी कौन बताएगा दो रूट रियल के लिए, कौन बताएगा सही सही वाला। चल अभी तो इजी है। नहीं 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 ऐसा मत सोचना, अभी इजी है। हाँ पीयूष। एक पॉजिटिव रूट आएगा एक नेगेटिव ठीक है, एक पॉजिटिव एंड दूसरा क्या है, अच्छा और कोई केस कोई बन सकता है। अब बेटा करो एडवांस वाली बात, कुछ तो लॉजिक लगाओ, दोनों रूट जीरो हो गए तो एक ही क्या बेटा। हाँ हो सकता, तूने सही बोला, ये इतना ही केस है, एक पॉजिटिव होना चाहिए क्या होना चाहिए नेगेटिव। इसका मतलब अपने को क्या करना है, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी और नेगेटिव होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अब इस केस में क्या श्योरिटी है, क्या जीरो क्या एक रूट पॉजिटिव है,
नहीं दोनों तो आएंगे, लेकिन कंडीशन क्या बनेगी, सम सम पे या प्रोडक्ट पे क्या श्योरिटी है, किस पे श्योरिटी? उस पे नहीं, इस पे f of 0 less than किसमें? एक रूट पॉजिटिव, एक रूट, देखो इसका एक रूट क्या है, पॉजिटिव, एक रूट क्या है, नेगेटिव। तो अभी खुद ही सोचो कि प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेगेटिव, नेगेटिव जीरो, ठीक है, ऐसा होगा कौन के वक्त पे? सम सम को जीरो होगा, श्योरिटी नहीं है, f of 0 less than 0, हाँ मतलब f of 0 क्या हो जाएगा, लेस देन, वेरी गुड मिश्रा, प्रोडक्ट इवन इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हो कि प्रोडक्ट क्या होगा हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव सिक्योरिटी है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन से वन, ये तीन के समझ में आ गए? पहले नोट कर लो, फिर चौथे केस पे दिमाग लगा के मुझे आंसर बताओ, जिन्होंने नोट कर लिया वो चौथे केस का आंसर मुझे बताना। अच्छा अब मुझे एक चीज बताना, थर्ड में कोई और केस छोड़ दिया क्या मैंने, थर्ड में d इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो दोनों इक्वल रूट्स आ जाएंगे, तो फिर एक क्या होगा, d इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब t की वैल्यू है 2, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, दो रियल रूट्स आ जाएंगे, प्लस माइनस रूट टू, हाँ, लेकिन और भी थोड़ा जुगल और एक्यूरेट करके बोल सकते हैं, देखो ये वाला केस तुमने छोड़ दिया, हंसी मजाक में ले ली तुम लोगों ने, बोथ रूट्स क्या होने चाहिए, आर वेरी गुड, पॉजिटिव भी होने चाहिए और क्या होने चाहिए, पॉजिटिव का तो ठीक है कि पॉजिटिव में सम, तो इस केस में क्या होगा, डी क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, तो एम की वैल्यू क्या आने वाली है, इक्वल टू क्या आने वाली है, तो ये इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, यूनियन, थोड़ा केस ना बेटा, कोई भी केस छोड़ दिया ना तो हल्के में वो इतना करने का मतलब ही नहीं रहेगा अपना। अब क्वेश्चन नोट करने पर क्वेश्चन पार्ट फोर पे एग्जैक्ट सोच के बताना। अच्छा बोथ रूट पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव, सम हमेशा इस पे सम पे श्योरिटी है कि सम हमेशा क्या होगा, पहले इस वक्त इसके सम पे भी तो श्योरिटी है कि सम s greater than क्या होना चाहिए, सम तो हमेशा पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, m greater than, सम सम कितना आने वाला था, 2m minus 1 greater than 0, m greater than कितना देगा, 1 by 2, और प्रोडक्ट तो यहाँ पे श्योरिटी का प्रोडक्ट, तो इसलिए मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि तो अभी कॉमन क्या आएगा, m की वैल्यू 1 by 2 से बढ़नी चाहिए, 5 by 4 होनी चाहिए, तो इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 5 by 4, फोर्थ का बोलो, हाँ वेरी गुड, दो मिनट ये नोट कर लिए तुम लोगों ने, हाँ सर, हाँ सर, हो गया सर, चमका है, क्वेश्चन नंबर फोर, पार्ट नंबर फोर ना, अब अपने को कितने सॉल्यूशन चाहिए, वन रियल, तुमने क्या बोला, वन रूट इज नेगेटिव एंड अदर इज, अच्छा और कोई केस छूट गया क्या जो जिनमें नहीं बोल पाया, बोथ रूट जीरो, एक्सीलेंट, बोथ रूट इक्वेशन नंबर टू आर जीरो, क्यों बेटा देखो सोचो, टी की वैल्यू क्या आ रही, जीरो रही होगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की क्या एक वैल्यू आ गई जीरो,
और या इसमें तूने तूने सही कंसीडर किया था कि एक टी के लो नेगेटिव आ गई, मतलब एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया जो कि पॉसिबल नहीं है, और एक्स स्क्वायर क्या आ गया 0, ओवरऑल एक रियल रूट आएगा। तो अभी इस पे कंडीशन कैसे बनाई जाए बेटा, प्रोडक्ट सर प्रोडक्ट 0, अच्छा प्रोडक्ट 0, वेरी गुड, श्योरिटी है कि प्रोडक्ट तो क्या होंगे 0 और सम पहले वाले में नेगेटिव दूसरे वाले में 0 0 पहले में नहीं, पहले में, पहले वाले में क्या बेटा लेस देन 0 लेस देन और इक्वल टू 0। हां तो अभी एम की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है बेटा, तो एम की वैल्यू सिर्फ माइनस वन ही आएगी, माइनस वन, हाँ एक्सीलेंट, माइनस वन लेस देन हाफ और प्लस माइनस वन। क्या किया तुम लोगों ने बेटा, तो प्रोडक्ट जीरो करेंगे तो एम की वैल्यू प्लस माइनस वन आएगी, और सम लेस देन जीरो करेंगे तो एम की वैल्यू हाफ से कम आएगी, तो दोनों हाफ से कम इंटरसेक्शन होंगे, एक्सीलेंट। और सम क्या है बेटा, सम लेस देन जीरो, और पहले दूसरे वाले केस में सम इज इक्वल टू क्या आने वाला है, जीरो सर, सम लेस देन इक्वल टू, इसमें इसमें सम लेस देन जीरो होगा क्योंकि एक तो एक क्या है जीरो, एक में नेगेटिव है, और इसमें क्या होगा बेटा सम सम जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल एम की वैल्यू सिर्फ क्या आएगी माइनस माइनस वन माइनस सम सम मतलब क्या था 2m-1 लेस देन 0, तो ओवरऑल कॉमन क्या आएगी, m की वैल्यू क्या आएगी माइनस सर, फिर जो और वाला है उसमें तो m की वैल्यू सिर्फ हाफ आएगी, तो उसमें तो और वाले में क्या प्रोडक्ट भी 0 होना चाहिए और सम भी क्या होना चाहिए 0, तो प्रोडक्ट 0 करें तो m की अलग वैल्यूज पे हो रहा है सम, और सम तो मतलब वो हो ही नहीं सकता, आई आएगा ना तो 5, हां तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है इस केस में, लेकिन कंसीडर करना सम भी जीरो, तो ये कोई भी साइमल्टेनियसली कोई भी पॉसिबल, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर, यस सर। अब आता है बेटा पांचवा, क्या करने का है, नो रूट्स ना, दोनों नेगेटिव, ठीक है दोनों वैल्यू नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव वैल्यू, दोनों नेगेटिव, अच्छा बोथ रूट्स आर तो क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, चलो सम लेस देन, मैंने आज तुमको एक तुम एक केस और सोच के सुन दिखा एक केस और सोच दो, ये तो ठीक है, ये तो केस डेवलप की तुम टी के भी नो रियल सॉल्यूशन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, मजा आ गया यार, इसके कोई रूटीन ना हो किसके बेचारे के, ठीक है ठीक है, no root of equation 2 ना, मतलब in t, तो देखो इधर क्या ना इसका d less than क्या करना है 0, d less than 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, m less than कितना आ जाएगा, d greater than 0 पे कितना आता, किस में m greater than 4, किस में, किस में नहीं, उसमें नहीं, अरे m greater than 5/4 आ गया, चमक गया तुमको, हां सर, इसमें इसमें क्या है नो रूट्स, मतलब दोनों के दोनों का बोथ रूट्स क्या है नेगेटिव ना, तो d greater than equal to 0 और सम पे श्योरिटी है, सम क्या होना चाहिए बेटा लेस, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन, तो ये तो बोलेगा m less than कितना 5/4, m less than half, और ये प्रोडक्ट में मेरे को याद आ रहा है माइनस इनफिनिटी से 1, यूनियन कहां से, तो अभी इन ये वाले का और ये वाले का क्या लेने का अपने को बेटा, यूनियन, ये कभी देखो बेटा कहां पे तुमको स्टार लगाना है तो तुम भूल जाओगे अगले साल, ये चीज सोचना, ये वाला कौन सा वाला, ऐसे ये वाला,
समझ गया बेटा? मैंने वही तो बोला अभी, मैं वो तो सॉल्यूशन है, उसके बाद दूसरा मैंने सोचने का टाइम भी नहीं मिला, तो सोचा भी नहीं। तुम लोगों ने किसी ने सोचा तो बता ना। वाह बेटा, एक वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन ट्राई किया जाए इसी टाइप का। हाँ बेटा, सर स्लाइड पीछे कर सकते हो? ये वाली हाँ सर, अभी कैसे क्वेश्चन दूंगा, लेकिन तुमको ही करना है वो पूरा पार्ट। कर लिए नोट सर? ये वाला डन? हाँ सर, हाँ सर, यस सर। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ इसी टाइप का है, बस थोड़ा इजी है लेकिन करने सारे नोट। आगे चलो बेटा, फाइंड लैम्डा सो दैट एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और लैम्डा कुछ भी हो सकता है आर से, ठीक है। पहला क्या है, 4 रियल सॉल्यूशन, दूसरा कितना 3, तीसरा 2, चौथा 1, और पांचवा कितना है, नॉन रियल सॉल्यूशन है। मतलब इसका मतलब इसके दोनों रूट क्या होने पड़ेंगे, पॉजिटिव एंड क्या होने पड़ेंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट इसका मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो d greater than 0, मतलब दूसरा s greater than 0, p greater than 0, p greater than 0। अब लगा के मुझे बताओ कि लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, और इजी है क्वेश्चन ये। 0 से 9, बिल्कुल, वेरी गुड सर। s d लैम्डा है कि d है? क्या डाउट हो गया था, कुछ भी ले ले, डी की वैल्यू निकाल देना। डी ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, मतलब 36 माइनस कितना, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी, लेस देन 9। सम तो ग्रेटर देन 0 ही है, अंधे को भी दिख जाएगा। प्रोडक्ट भी, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। लैम्डा ग्रेटर देन 0 तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 0 से
नाइन पहला क्लियर है बेटा? दूसरा पार्ट क्या कहता है बेटा? लैम्डा इक्वल टू जीरो। हाँ सर लैम्डा इज इक्वल टू। दूसरे पार्ट में कितना अच्छा अच्छा उस कंडीशन क्या होती है तीन रूट की? एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं एक पॉजिटिव एक जीरो एक जीरो। हाँ तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा उसके अंदर? प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमेशा? जीरो जीरो। प्रोडक्ट लैम्डा लैम्डा क्या वैल्यू आगी? जीरो। चमक गया मतलब माइनस इनफिनिटी से जीरो है। एक मिनट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो प्रोडक्ट क्या है? लैम्डा लैम्डा इक्वल टू जीरो। चेक कर लैम्डा को जीरो रख के भी चेक कर ले तेरे को नहीं चमक रहा तो ये ले जीरो रखा। ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या रूट आए? तीन रूट आ रहे नहीं आ रहे? अरे अगले वाले। हाँ अगले वाला कौन? माइनस इनफिनिटी से जीरो यूनियन नाइन। तीस माल रही है थोड़ी सी लिया बस। अच्छा थर्ड में क्या हो रहा है? दो दो रूट्स के क्या क्या कंडीशन है सही से बताना। E less than नहीं नहीं पहले एक दोनों दोनों क्या पॉजिटिव है? दोनों एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव और नेगेटिव और एक पॉजिटिव और एक या फिर या कोई दूसरा भी है क्या? दोनों जीरो दोनों जीरो के से बड़े और इक्वल मतलब पॉजिटिव इक्वल रूट्स इक्वल पॉजिटिव रूट्स लिख देता हूँ क्लियर हो जाएगा ना सारा। अच्छा दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो क्या श्योरिटी होनी चाहिए? प्रोडक्ट लेस देन जीरो। प्रोडक्ट लेस देन जीरो मतलब लैम्डा क्या हो जाएगा? लेस देन माइनस इनफिनिटी से जीरो। अच्छा दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तो डी क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल टू जीरो इक्वल टू लैम्डा नाइन नाइन डी इक्वल टू जीरो। और इसके अंदर प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए? लेकिन प्रोडक्ट दोनों पॉजिटिव होने चाहिए ना। सम भी क्या होना चाहिए? श्योरिटी किसकी मिल गई तुमको भाई? ये दोनों पॉजिटिव रूट की बात करें तो इक्वल है तो सम भी सम का पॉजिटिव और प्रोडक्ट भी वैसे इनडायरेक्टली क्या रहेगा? डी की वैल्यू कितनी आने वाली है? लैम्डा की वैल्यू क्या आने वाली है? सब का यूनियन की है सम तो है ही जीरो। और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? लैम्डा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? जीरो जीरो। तो ये क्या बोल रहा है? इन दोनों का इनका यूनियन लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? नाइन। तो या तो क्या माइनस इनफिनिटी से जीरो और या नाइन। ये नोट कर लो भैया तीसरा ताकि अगले आंसर मैच कर लो एक बार। हाँ लेस देन जीरो एंड नाइन। और जिनको थोड़ा फोटो बनाने तो रहते फोटो भी बना सकते हैं। इस केस में तो क्या हो रहा है? रूट्स इक्वल हो रहे हैं अल्फा और बीटा। और इसमें क्या हो रहा है? एक पॉजिटिव और क्या फोर्थ वाले के लिए लैम्डा जीरो। फोर्थ वाले के लिए बेटा क्या जीरो? हाँ वन वन रूट के लिए चेक लेते हैं। मैंने मैंने सॉल्व नहीं किया वाला देख लेता मैं तुमको। डन बोथ रूट्स भी जीरो के लिए भी नहीं वो नहीं हो सकता सम जीरो आ जाएगा यहाँ पर। सिक्स फोर्थ वाला नोट कर लिया क्या आगे सर? अब बेटा वन रूट चाहिए तो क्या करोगे फोर्थ वाले में? वन रूट के लिए एक जीरो नेगेटिव एंड हां चलो ओके। हां नेगेटिव एंड जीरो या फिर दोनों या फिर बस यही हो सकता है। दोनों जीरो नहीं हो सकते ना यहां पर? दोनों जीरो नहीं हो सकते नहीं। वैसे रियल में क्या होता है वन मतलब तुम बाय ये यहां पे कि नहीं सोच रहे? हां तो एक जीरो एक नेगेटिव या फिर दोनों जीरो। हां बस वो एक बार तुम ऐसे दिमाग में फिट कर लो। मैं एक बार वन वन रूट वाले में क्या होगा? या तो एक एक नेगेटिव एंड दूसरा क्या होना चाहिए जीरो या फिर इसके किस केस में किसकी श्योरिटी है? प्रोडक्ट तो क्या आएगा जीरो और सम जीरो जीरो। और यहाँ पे तो क्या है सम भी जीरो प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। अच्छा प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो करोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? एग्जैक्ट कितनी आ रही है? जीरो। आंसर पर यहां पर कोई वैल्यू नहीं सम लेस देन जीरो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सम तो दे रखा ना। सम तो कितना दे रखा है अपने को
यहाँ सम को जीरो कर दो, यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा, सम को भी जीरो सम जीरो हो सकते हैं। हाँ ये भी कुछ कोस ली, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगा, नो वैल्यू जीरो, लैम्डा बिलोंग्स टू पाई, लैम्डा बिलोंग्स टू पाई। पीयूष मिश्रा तेरा कैसा आ गया था बेटा? पहले मैं इसका मतलब सम भी क्या होगा, लेस देन जीरो और सम लेस देन जीरो पॉसिबल ही नहीं है, तो कट हो गया। D less than 0 करोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 9। हां तो यहां पे क्या आ जाएगा, लैम्डा 9 से। समझ में आ गया बेटा ये वाला क्वेश्चन? हां हां सर। अब एक तरीके से दूंगा एक क्वेश्चन, ये वाला हालांकि थोड़ा मैं तुमको सोचने का तरीका समझाता हूं यही क्वेश्चन को अलग तरीके से, ठीक है? चलिए एक मिनट स्पीड नोट, हां लिख लो लिख लो लिख लो, अभी लिख लो, मैं 5 मिनट स्पीड से कर दिए। कल से तुमको पक्का असाइनमेंट स्टार्ट करता हूं मैं 25-25 की। हो गया सर। कोर्स कट से ना एग्जाम तो हम लेट करी ना समझाए। अब इसी को एक तरीके से और फील किया जाए बेटा कि कैसे और फील कर सकते थे। देखो बेटा ये 90% अपने को यही करना है, लेकिन मान लो मैं कोर्स को सोच रहा था, मैं सोच रहा बच्चों क्लिक ना हो तो कैसे करेंगे अपन, अपने को किसके बारे में कमेंट करना है, x की पावर 4 6x स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल्स टू, ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दे रखी थी, ठीक है? यदि मैं तुमसे पूछूं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका क्या करना बेटा, ग्राफ। अच्छा अब थोड़ा अपने को फील करना पड़ेगा, मान लो मैं सिर्फ एक्चुअली ये सवाल ऐसा है क्या, ऐसे कर देता हूँ क्या, अभी भी वही सवाल है ना, वही सवाल है ना अभी तो भी। अब बेटा मैं क्या बोलूं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बाद में इसका ग्राफ ड्रॉ देख लेंगे y इक्वल टू लैम्डा का। इसके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने दो चीजें अपने को देखना, एक याद होगा मैक्सिमम एंड मिनिमा ऑलवेज अकर वेयर डेरिवेटिव बिकम्स जीरो। मान लो मुझे अभी इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो बेटा कुछ कुछ चीजें ना तुम अलग तरीके से सोचना स्टार्ट करो और ये तुम्हारे कैलकुलस का बिल्डअप करेगी। अच्छा एक बार खुद भी देख लेते हैं कि y ये कहां पे खुद कहां पे जीरो रहा है, ये भी थोड़ा ग्राफ प्रॉब्लम है। x स्क्वायर कॉमन ले लो, 6 माइनस क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे जीरो रहा है और प्लस माइनस कहां पे, मैक्सिमम मिनिमम अकर का भी देख लेते हैं। अच्छा इसका वो भी देख लेते हैं कि शक्ल वो वेवी कर्व से शक्ल कैसे बनेगी। जीरो माइनस रूट सिक्स, रूट सिक्स से बड़ा रखोगे एक करोड़ नेगेटिव आएगा, रूट सिक्स से पॉजिटिव जीरो के कारण इवन पावर के कारण और माइनस जितना आएगा नेगेटिव। एक साइन कन्वेंशन कुछ समझ में आ गया? हाँ सर। प्लस सर। चलो ठीक है अब थोड़ा हल्का हल्का, अरे मैक्सिमम मिनिमम ऑलवेज अगर वेयर डेरिवेटिव बिकम्स जीरो, अच्छा मैं इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट करता हूं, 12x माइनस कितना आएगा, 3x स्क्वायर, हां सर जीरो, 4x क्यूब। अभी जीरो करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी और क्या आएगा, प्लस माइनस क्या है, 4x रूट 3 भैया, 4 कॉमन ले लो x भी कॉमन ले लो क्या बचेगा, यही आएगा ना मेरे हिसाब से, तो प्लस माइनस रूट 3। अगर अब देखो डेरिवेटिव में भी थोड़ा लॉजिक सोचो, डेरिवेटिव का वेवी कर्व क्या लॉजिक देता है, डेरिवेटिव का वेवी कर्व क्या क्या आएगा, एक तो जीरो आएगा, एक रूट 3, एक माइनस रूट 3। तो देखो रूट थ्री से बड़ा रखोगे डेरिवेटिव तो प्लस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि 4x कॉमन ले लो कितना हो जाएगा, 3 - x रूट 3 - x रूट 3 प्लस, ये आएगा डेरिवेटिव का। ये मैं तुमको जस्ट दूसरी अप्रोच सिखा रहा हूँ जस्ट क्वेश्चन को डील करने की, यहाँ तक क्लियर है? ये पॉजिटिव और ये क्या, ये पॉजिटिव। बेटा डेरिवेटिव के साइन पता क्या देते वेवी कर्व में, कि फंक्शन इंक्रीज करेगा या क्या करेगा, मतलब मुझे समझ में आएगा कि माइनस इनफिनिटी से माइनस रूट 3 वो इंक्रीज करेगा, रूट 3 से रूट 3 जीरो के बाद वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज से रूट 3 के बाद क्या करेगा, इंक्रीज, इंक्रीज उसके बाद क्या करेगा,
अच्छा अब मैं ग्राफ अपलोड करो एक रैंडम, और अगले चलो इसी पेज पे थोड़ा मैं इसको ना कैलकुलेशन को ऊपर ले लेता हूँ। देखो बेटा ये कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है मुझे समझ में आ गया, जीरो पे हो रहा है, रूट सिक्स पे हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है ये कहाँ पे ग्राफ, ये जीरो हो रहा है यहाँ, देखो ग्राफ बन गया। लेकिन जीरो से लेकर रूट थ्री तक, वो जीरो से लेकर रूट थ्री पे क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज किया, रूट थ्री के बाद वो हर वैल्यू के लिए डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करा देते हैं, और रूट सिक्स पे वो जीरो हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है रूट थ्री के बाद वो हमेशा, जीरो से लेके माइनस रूट थ्री तक वो क्या हो रहा है, डिक्रीज, ये लो डिक्रीज करा दिया, सिमेट्रिक, हाँ वैसे भी सिमेट्री ही है क्योंकि वो इवन पावर से ना सारी, देखो मतलब एक्स का माइनस एक्स रखने पे ग्राफ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही सेम वैल्यूज देंगे, ये ग्राफ बन गया ऐसे, ऐसा कुछ करके बन गया। अच्छा ये वाले रूट थ्री पे कितनी वैल्यू देगा मैक्सिमम, रूट थ्री क्वेश्चन में रखे देखो एक बार ओरिजिनल, यहाँ पे रूट थ्री किसका ग्राफ बना रहा है इसका, रूट थ्री पे रखा कितना आ रहा है, नाइन आ रहा है क्या, हाँ सर 18-9। चलो देखो अभी देखो ये अपने ग्राफ इसका अपलोड कर दिए, इसका ग्राफ अपलोड कर दिए, अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं, कैलकुलस का थोड़ा अपने बेसिक चीजों का यूज करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। देखो चार सॉल्यूशन चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू कहां से रखनी पड़ेगी, देखो चार सॉल्यूशन कब आएंगे, जब जीरो से लेके कहां तक होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट जीरो से लेके ओपन ब्रैकेट तक नाइन में कोई भी एक वैल्यू पे, देखो कितनी बार कट मारेगा वो, चार बार दिख रहा है क्या होना चाहिए, देखो एक तो दो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, ये लो टॉप पे 9 पे इनफिनिटी से 0 और 9 पे 9 भी आ गया ना सॉल्यूशन उधर, हां अच्छा वन सॉल्यूशन कहीं भी नहीं है, चेक करो हां जो हो गया 5 और नो सॉल्यूशन 9 से इनफिनिटी 0 तो हवा में 9 से आ गया, ये लो कहीं नहीं कट मारेगा, ये तो बहुत मस्त है, थोड़े उसमें दर्द है, अच्छा है, इससे एक से सब पार्ट सॉल्व हो जाते हैं बेटा, वहां पे पेपर में किसका क्या क्लिक करें वो चीजें अभी थोड़ा तुमको मैं इसलिए डेरिवेटिव भी डाल रहा हूँ, अदरवाइज मैं बच्चों को 12th में कराता था, लेकिन तुम अभी यहाँ से ये चीज सीखने को मिलेगी, तुमको दिमाग में बैठ गया मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑलवेज अकर वेयर डेरिवेटिव बिकम्स जीरो, दूसरा डेरिवेटिव को जो वेवी कर्व पे साइन बनाएंगे उसका उसका डिनोशन क्या है, वो इंक्रीज कहां कर रहा है और डिक्रीज कहां कर रहा है, उससे थोड़ा रफली आइडिया लग जाएगा, तो उससे आइडिया समझ में आया क्वेश्चन, हां सर हां सर ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें मेथड काम नहीं करेगी दूसरी करेगी, ऐसा कुछ होगा बेटा, जहां पे अब तेरे को लगा कि ग्राफ डेरिवेटिव निकालना बहुत जल्दी, जैसे इसमें तो ठीक था, अब पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसा क्यों नहीं कराया होगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव करूंगा तो एमएम की फॉर्म में और क्या होने वाला है, कम बस कर लूंगा चीज़ में जो अभी अप्रोच सही अपने को लगेगी, अभी हो सकता किसी बच्चे के दिमाग में एक लिख के और किसी बच्चे ने कभी क्वाड्रेटिक पढ़ा नहीं लेकिन उसको कैलकुलस आती थी, तो वो थोड़ा तुम बड़े हो जाओगे ना बेटा, अभी 5-6 महीने और, तो तुमको खुद कई बार तुम खुद का मेथड निकालोगे और वो बहुत सही होगा, और टीचर से तो कम से कम 100 times बेटर होता स्टूडेंट्स का मेथड, क्योंकि टीचर को तो हम लोगों को क्या जो हम कितने सालों से पढ़ाते हैं वही पढ़ाएंगे, यही की तरीका फायदा यही है। नोट कर लिया बेटा, यस सर यस सर।
अभी बस एक लास्ट टॉपिक पढ़ बचा है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। हालांकि इसी है। सर कल से सीक्वेंस सीरीज पहले इसको फटाफट खत्म करके फिर उसकी मैं तुमको डीपीपी दिया करूंगा, डीपीपी डिस्कशन का टाइम अलग रखा करूंगा, समझ में आया? उसको फिर रेगुलर क्लास में मिक्स नहीं करेंगे बेटा, थोड़े और ढंग के एक आधे नहीं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से मेरे को एक थोड़े मेरा मन ललचा गया, थोड़े और क्वेश्चन कर लें एक आधे, मैं लेके आया था सर, दिमाग से भूल गया और तुमको पता उसमें मैं क्या डालने वाला हूँ। लॉग लॉग इंट तो लॉग डालूंगा लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन डालूंगा। फॉर एम फाइंड एम ना फॉर विच, इसके तीन पार्ट है, पहला इजी कर देता हूँ, ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू एम माइनस वन। बेटा देखो वही सवाल है, मैंने एक्स या क्या लिख दिया जानबूझ के, जो एक्स की पावर चार वाला सवाल था ना वही सवाल है, ठीक है ना। क्वेश्चन टू, अब मैंने बोला बच्चों के और मजे ले लिए, कोस की पावर क्या कर दिया जाए, बस रूट्स क्या चाहिए, रियल की कंडीशन लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा लेंथी ना जाए। थर्ड मैं थोड़ा बोलता हूँ, तुम लोग वो भूल चुके होंगे सर, वो फर्स्ट वाले में साइन की पावर 4 है कि 2 है, 2 है, साइन में क्वाड्रेटिक रखी है उसमें, कॉस में क्या कर दिया अगले में बाइक्वाड्रेटिक। अब मैंने बोला लॉग कॉस है कि कॉस स्क्वायर है, एक कॉस स्क्वायर होगा ना बेटा, और इसमें थोड़ा और थोड़ा मैंने बोला इंटरेस्ट, मतलब आर इसके जो रूट्स है ना, रूट्स आर टू डिजिट इंटीग्रल पार्ट, मैंने बोला तुम्हार इसके जो रूट्स होंगे उसके इंटीजर कितने नंबर का होना चाहिए, कितने पार्ट का होना चाहिए इंटीजर, दो नंबर का कैरेक्टरिस्टिक दो। ये तीन क्वेश्चन अपने को दिखने में गंदा है लेकिन है इजी। पहले एक करवा दूंगे पहले, चलो एक मैं समझाता हूँ बेटा फिर तुमको क्लियर हो जाएगा। साइन एक्स को क्या मानने वाले अपन यहाँ पे, टी। अच्छा तो टी के औकात कहाँ से कहाँ तक है, अपने पास क्वालिटी क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर माइनस टू एम माइनस वन टी प्लस एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, इसके दो रूट होने चाहिए लेकिन दो रूट किसके बीच में होने चाहिए, क्योंकि टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, मतलब इसके जो दोनों के दोनों रूट हैं वो किसके बीच में पाए जाने चाहिए, माइनस वन से कौन से वाली इक्वेशन के, ये टी स्क्वायर माइनस, इसके दोनों रूट माइनस वन से वन के बीच में पाए जाने चाहिए, समझ में आ रहा है? और अभी अब बताओ क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, अब लोकेशन ऑफ रूट एफ ऑफ वन इनटू पहले दोनों रूट की बात चल रही, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दूं, यस सर। दूसरा एफ ऑफ माइनस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर दोनों ग्रेटर। और फोर्थ क्या कंडीशन है, माइनस वी बाई टू है, अब वो दिख भी रहा है देखो तुम, माइनस वन और वन से भी किधर यहाँ पे सोचो, वैसे तो होगी, सोचो कि होगी तो क्या होगा, होगी मतलब तो दोनों क्लोज ब्रैकेट है तो अल्फा और बीटा ही माइनस वन। फोर्थ क्या होना चाहिए, माइनस वन के बीच में क्या होना चाहिए, माइनस बी बाय टू है से वन, ये सॉल्व करके बताओ फिर अगला, जितने ये सॉल्व कर लिए कॉस का मैं इतने में मजे मार के आया दो मिनट के अंदर अंदर करण से पेपर करण तुम्हारा कल मैं बनाता हूँ अच्छे वाले डीपीपी, तुम गए कल से ओ रे और करण
हुआ बेटा। अच्छा बाकी सेकंड और थर्ड होमवर्क के लिए दे दूं क्या? हाँ सर। थर्ड में इंट दे दो हल्का सा। लॉग मतलब ये जो अंदर है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। देखो लॉग 10 को अपन क्या मानने वाले यहाँ पे? टी। और मैंने बोला दो डिजिट का नंबर, मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 10 से लेके कहाँ तक चलेगी? 90 100 ओपन पे ना? 100 ओपन पे। तो अभी दोनों पे लॉग का बेस 10 ले लूं। 1 और 2 के बीच पे ओपन। टी की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी? 1 से लेकर 2 तक। समझ में आया थर्ड क्वेश्चन क्या है? हां सर। तो इसका मुझे दोनों में मैं कंडीशन बनवाऊंगा कल भी, मैं बता देता हूं, फॉल नहीं कराऊंगा। तो ये तुम कॉल करके आ जाना। अभी एक नया बस छोटा टॉपिक बढ़ा है जो कल अपन खत्म कर देंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। कल एक घंटा और लगेगा पे ओपन। वो होमवर्क में दे रहा हूँ। कौन कौन से? सेकंड और थर्ड। थर्ड सो बस अभी एक छोटा सा टॉपिक पेपर कब लिया जाए? तुम्हारे स्कूल के पेपर कब खत्म होने वाले हैं? अनमीन वालों के 12 तारीख को। इतने लंबे क्यों चले हैं भैया? छुट्टी दी है। मतलब इसमें फायदा होता है या कैसा होता है छुट्टी देने का? नहीं कुछ बोल नहीं सकते, अगर थोड़े लोग आलसी हो जाए तो सोचेंगे कल करेंगे कल करेंगे, और नहीं हो पाता है। मेरे को भी ऐसा लगता है। तो ये अपन कल करते हैं, कल मतलब होमवर्क ट्राई करके लाना, ठीक है? यस सर। थैंक यू फॉर द कक्षा। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। बाय सर। ये ट्राई करके लाना, नहीं तो उल्टा टांग दूंगा। हां सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बेटा। इसका आज वाला क्या? ओहो हो। बाय सर। बाय बेटा।